हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ राजकौल। फ्रेंड्स, बात करेंगे आज मिष्ठान फूड शेयर के बारे में। इसमें इन दिनों रैली हुई, शेयर बिलो रुपीज़ 8 था और एकदम से 12 प्लस चला गया। क्या कारण था? फ्रेंड्स, वैसे तो मैं आपको अप्रोप्रिएट रीज़न बताऊंगा। एक तो शेयर काफ़ी दिनों से डाउनफॉल पे चल रहा था, कंपनी के पिछले क्वार्टर से अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे थे, अपट्रैक्स पे इसको आना चाहिए था लेकिन अपट्रैक्स पे नहीं आया। तो शेयर काफ़ी टाइम से डाउनफॉल पे था, कंपनी के रिजल्ट्स भी बेहतर आ रहे थे और शेयर मेरे हिसाब से, मेरी रिसर्च एनालिस के हिसाब से अंडर वैल्यूड चल रहा था। यानी कि शेयर कम से कम 15 से 20 रुपये की रेंज में होना चाहिए था, ये से भी अपर लेवल पे होना चाहिए था, लेकिन ये बिलो रुपीज़ 10 था। मैंने वीडियो बना करके भी आपको टॉप 10 शेयर्स में भी बताया बिलो रुपीज़ 10 में मिष्ठान फूड, और एक दो वीडियो और भी बना के बताया कि मिष्ठान फूड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, 10 रुपये मैंने अगर बोला और ये बिलो रुपीज़ रेट चला गया, तब तो आप ये मान लीजिए कि जिस रेट पर मैंने बताया वैसे मैं डाउनफॉल रेट पर बताता हूँ, एफर्ट बाइंग लेवल पर बताता हूँ। अगर उसके बाद भी शेयर नीचे चला जाए और आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया हो और आप मेरे पुराने वीडियोस देखते रहें और आपको दिमाग में हो कि ये शेयर मैंने बताया था, तो प्लीज़ आप इस तरह से मेरे पुराने वीडियोज़ को देख करके और कोई शेयर को निकाल करके देखा होगा कि भाई मैंने बताया और वो ट्रैक पर नहीं आया, तो कोशिश करा कीजिए कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। 8 रुपये से ये सीधे 12 रुपये प्लस आ गया, यानी कि 8 रुपये पे 4 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ, 50% रिटर्न आपको विद इन फ्यू डेज मिल गया। इसी को कहते हैं बेहतर रिटर्न छोटे शेयर से निकालना। 100 रुपये का शेयर या 80-90 रुपये का शेयर एकदम से 150 रुपये नहीं होता है, लेकिन छोटा शेयर अपट्रैक मूवमेंट जल्दी लेता है, कुछ दिनों तक वो अच्छे ट्रैक्स पर चलता है, बाहर पर भी पकड़ लेता है और शेयर 8-9 रुपये से 10-20 रुपये आराम से हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जो बात थी मैंने आपको बताई, जो रीज़न था मैंने आपको बताया कि इसमें रैली क्यों हुई। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, भारतीय शेयर बाजार में चाहता हूँ हर इन्वेस्टर पैसा कमाए, तो जुड़िए छोटे शेयर्स कम पूंजी वाले लोग, ताकि मैं उनको अच्छा पैसा बनाने में हेल्प करता जाऊँ, उनके दिमाग के लट्टू जला दूँ इन्वेस्टमेंट पे, छोटे शेयर्स पे कैसे बड़ा मुनाफा मोटा रिटर्न कमाया जाता है। और मैं ये थ्योरी समझाना चाहता हूँ हर एक छोटे इन्वेस्टर को कि कम पैसा लगा के भी अच्छा रिटर्न बड़े शेयरों से ज़्यादा कैसे कमाया जाता है। तो बन रही मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।